अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपके साथ शिमला मिर्च कीमे की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ और साथ साथ थोड़ी बहुत बातें कर लेंगे। बहुत टाइम के बाद मैं एक वीडियो अपलोड करने लगी हूँ, तो साथ साथ मैंने सोचा कि कुछ आज बनाया भी जाए, आपसे बात भी की जाए। तो फिर मैंने झटपट से एक कीमे का पैकेट निकाला, मटन कीमे का पैकेट्स मैंने बना के रखे होते थे फ्रीज़र में, तो उनमें से एक पैकेट निकाला। प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट एंड सारी स्पाइसेस डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के मैंने कीमे को गलने के लिए रख दिया। तो उसके बाद आप देखेंगे आज डिफरेंट चीज़ें, क्योंकि मैं आज आपके साथ कुछ अपनी पोइट्री शेयर करूँगी और पोइट्री के साथ साथ आपको मैं कुछ अपनी उसके साथ एक एक पोइट्री वाली फीलिंग्स होती हैं वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। उतनी देर हमारा जो है मटन कीमा जो है वो भी गल जाएगा और इसमें फिर हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे। और शिमला मिर्च जो है वो मैंने फ्रीज़ करके काट के फ्रीज़ की हुई है और वो मैं निकाल देती हूँ ताकि वो मेल्ट हो जाए, तब तक हमारा कीमा जो होगा वो गल जाएगा, ठीक है। तो आज मैं आपके साथ एक जो पोइट्री शेयर करने लगी हूँ, तो मैं आपके साथ जो पोइट्री सेंड करने लगी हूँ परवीन शाकिर साहब बाकी है, तो उसके कुछ अच्छे वर्ड्स हैं उनके, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज साथ साथ हम कुकिंग भी करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको सुनाती हूँ फिर वो। कभी रुक गए कभी चल दिए, कभी रुक गए कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए, यूं ही उम्र सारी गुजार दी, यूं ही ज़िंदगी के सितम सहे, कभी जुल्फ पर कभी चश्म पर, कभी जुल्फ पर कभी चश्म पर, कभी तेरे हसीन वजूद पे, जो पसंद थे मेरी किताब में, जो पसंद थे मेरी किताब में, वो शेर सारे बिखर गए। वाओ, कितनी हसीन ये शायरी थी और जो मैंने आज आपके साथ शेयर की। और मैं अपनी अब आपके साथ सारी पोइट्री की कलेक्शन भी साथ साथ शेयर करूँगी, ठीक है। अब हमने कीमे के अंदर ऑयल डाला और उसको अच्छे से भून लिया जी। तो ये थी मेरी शिमला मिर्च जो कि मैंने फ्रीज़ की हुई थी और मैंने अब निकाल दी है, और अब मैं इसको जो है थोड़ा सा, ये थोड़ी सॉफ्ट होगी, मेल्ट होगी, तो फिर मैं इनको जो है वो अपने भुने हुए कीमे में डाल दूँगी। और इसी तरह से हमारा कीमा देखिए बिल्कुल रेडी है, उसमें ऑयल आना शुरू हो गया है। और जब ये अच्छे तरीके से इसका भून जाता है, उसमें ऑयल निकलना शुरू हो जाता है, देन आपने इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देनी है, ठीक है। शिमला मिर्च में आपने पानी नहीं ऐड करना क्योंकि वो अपना पानी खुद छोड़ेगी, और इसको आपने कवर करके रख देना। देखें, आप देख सकते हैं अब जैसे उसने वो मेल्ट हो गया और अब ये पकना शुरू हो गया, ठीक है। तो अब हमने इसके गलने का वेट करना है एंड उसका पानी जब ड्राई हो जाएगा तो फिर लास्ट में क्या डालना है, सिर्फ एक गर्म मसाला डाल के इसको हम कवर करके रख देंगे, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। शिमला मिर्च का पानी थोड़ा सा निकलेगा क्योंकि शिमला मिर्च अपना पानी छोड़ती है, तो पानी अच्छे तरीके से हमने ड्राई करना है और इसको भूनना है, ठीक है। और भूनने के बाद जब इसका अपना ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर इसकी एक्यूरेट जो है ना वो शक्ल निकल आएगी शिमला मिर्च की, बहुत मज़ेदार वाली। तो रायता, सलाद और गर्म रोटी के साथ आप उसको शेयर करें और खाएँ और सबको खिलाएँ और ख़ुद भी खाएं, और फिर आपको इसका बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। दोबारा से कहती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और मेरी सारी वीडियोस का जो आने वाली है उसका आप वेट करें। अल्लाह हाफ़िज़।